वो बड़े भागां वाले जी हुंदे है। जो प्रभु की चोण विच आउंदे हन, कुदरत दे बड़े सख्त नियम हन जिन्हों असी चैलेंज नहीं कर सकते। बड़े बड़े ज्योतिषी होए है, साइंसदान होए है, गणित विद्या के नाल वो सब कुछ दसते हैं कि कल भचाल आएगा, कद ग्रह लगनगे, किसी हद तक उन्हां दी जानकारी काफ़ी ठीक रहिंदी है। लेकिन उस चीज़ नूं किसी भी ग्रह नूं या किसी हुक्म नूं वो टाल नहीं सकते गे, क्योंकि कुदरत दा निजम ऐसा है। संतां नूं ये सच्ची जानकारी हुंदी है, उन्हूं कुदरत कह लो, भगवान कह लो, वो अपने गुरुआं दी दया नाल इस मसले नूं आपदी जिंदगी दे विच हल कर लैंदे है। महात्मा सानूं सुनियां सुनाईयां गल्लां नहीं दसदे, वेद शास्त्रां दीआं तां सिर्फ मसालां हुंदियां हन कि देखो प्यारिओ असीं तुहानूं कोई नवीं चीज़ नहीं दस रहे। यही आद जगात तों तुरी आउंदी है, उही परमात्मा है, उसी दी अंत साडी आत्मा है। विछोड़े दा फर्क है, समुंदर उही, पानी उही, लहर उही, बूंद उही। जद बूंद लहर दे सपुरद हो जाती है, वो उसनूं समुंदर दी तह विच लै के बैठ जाती है। महात्मा उस परमात्मा समुंदर दीआं लहरां हुंदे हन। जद असीं आत्मा नूं उहनां दे हवाले कर दिंदे हैं, वो साडी आत्मा नूं लै के कित्थे जांदे है, जिथों कि आउंदे हन वो परमात्मा दे हुक्म विच आउंदे है। वो सानूं आ के संदेश दिंदे है कि देखो प्यारिओ, ये एडा वड्डा संसार या दुनिया नूं बना के इस नूं बेलगाम बेसहारा नहीं छड्या होया, किस तरह कुदरत दे दो दीवे बनाए है, वक्त ते उह प्रकाश करदे है, सूरज है, चंद्रमा है, सितारे है, जिन्हां नूं असीं सही मनदे हैं। संत कहिंदे इसे तरह जो उसने यह भी कानून बनाया है कि जिसनूं मैं चोण विच करां प्रभु की भगति उसे नूं मिल सकती है। उही संत सतगुरां दे कोले आउंदा है, उसे नूं नाम की इच्छा पैदा हुंदी है। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे कि तुर तो तय हुंदा है कि इस आत्मा नूं गुरु मिलेगा, नाम मिलेगा, या इस नूं गुरु ते अतवार आएगा या ना आएगा, या ये बंदा सत्संग विच आएगा या नहीं आएगा। फिर वह कहिंदे हुंदे सी वक्त ते आके घटना घट जाती है, जीव लचार है, उन्हूं ये नहीं पता कि घटना क्यों घटी है, वो अपने मन बुद्धि दे क्याफे लाउंदा है। लेकिन संत कहिंदे है ये मन बुद्धि समझण दी चीज नहीं, मन बुद्धि एक बहुत छोटा जा पैमाना हुंदे है, सानू पता है बुद्धि भी घटदी वधदी रहिंदी है। बाल उम्र दे विच बुद्धि कोई होर हुंदी है, जवानी अवस्था विच होर हुंदी है, बढ़ेपे दे विच आके होर हो जाती है। तुसी देख लो अगर साडा जो पैमाना है उही घटदा वधदा रहिंदा है, उहदा तोलिया होया वस्तु किस तरह सही हो सकती है। तो संत सानू दसदे है कि प्यारिओ ये क्याफे लाउण दी चीज नहीं, ये उस शक्ति नूं मिलण दी मसला है कि असीं उस नूं किवें मिल सकते हैं। महात्मा सानू दसदे है कि जब साडा वो परमात्मा बहुत सारे साडे शुभ कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, वो सानू इनाम दिंदा है। की इनाम दिंदा है कि सब तो पहला सानू महात्मा की संगत और सोहबत दे विच लिआउंदा है। महात्मा साडी सोहबत नूं अच्छी नूं देख के, साडी तड़फ नूं, साडे प्यार नूं देख के वह सानू अंदरली खोज दे उत्ते पा दिंदे है, नाम की दीक्षा दे दिंदे है, साडी खोज शुरू हो जाती है। और परमात्मा
अज तक किसी ने देखा नहीं, क्योंकि लोगों ने बड़ी कोशिश की, असमान में भी उड़े, धरती के नीचे भी गए, धरती खोदते हैं पानी निकलता है, असमान का असं कोई मेजबाना नहीं पा सकते गे कि कितने जे जाके इसका अंत है। बड़ी बड़ी लोगों ने खोज की है, लेकिन संत सानू दसते हैं कि वो परमात्मा साढ़े सब के अंदर है, क्यों ना वो भी उत्थे खोज की जाए जिथे साड़ी वस्तु है। अगर फर्ज करो साड़ी कोई वस्तु इत्थे बंबे के अंदर गुम हो जाती है, वो आप तलाश किसी होर शहर के जाके करिए, बेशक आप कितना ही उत्थे मजदूर लगा लीए, मददगीर लगा लीए, आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि साड़ी वस्तु तो इसे शहर में गुम है। अगर असी इसे शहर के खुद तलाश करिए, हो सकता है सानू टाइम लगे, लेकिन जे सानू सच्ची तड़प है, सानू उसकी कदर है कि असी उस वस्तु नू पालना ही है, असी बड़ी जल्दी लभ लेने हैं। कई दफा ऐसा हुंदा है कि कोई उत्थों का भेदी मिल जाता है जिसने वह वस्तु देखी हुंदी है। तुसी देख लो, अगर कोई भेदी जिसने वह वस्तु देखी होवे सानू वो मिल जाए, उहदे तजर्बे तो असी कितना फायदा उठा के कितना आसान कर लेने हैं। तो कबीर साहब कहिंदे है, वस्तु किते है, ढूंढदे किते हैं, किहड़े विच साडे हथ विच आ सकती है। परमात्मा साडे जिसम दे अंदर है, देह और वजूद दे अंदर है, खोज असी इसकी बाहर मुखी करते हैं, पत्थरां विच ढूंढते हैं, पानियां विच ढूंढते हैं, होर अपने मन बुद्धि के तरीकों नाल अनेक जगह दे विच जाके खोज करते हैं, लेकिन संत सतगुरु सानू दसदे है वह परमात्मा नेड़े तो नेड़े थोड़े अंदर बैठा है, थोड़ी हर हरकत में देखता है। सो थोड़े अगे गुरु अमरदेव जी महाराज का शब्द छोटा जा रखा जाता है, आप नू काफी परमात्मा के मुतालिक खोज करनी पई सी, बहुत सारे तीर्थां दे उत्ते गए सन, 22 दफा आप हर द्वार इशनान करन वास्ते गए सन, और बहुत सारे रीति रिवाज आपने किए सन, 72 साल की आयु हो गई सी, और जब आपका मिलाप एक ब्रह्मचारी दे नाल होया, कई दिन हरिद्वार नू जांदिया प्यार होया, पैंडा करदे सन, आखिर गुरु अमरदेव जी का घर आ गया, उत्थे रात रहे, रात में बातचीत होई के कोई गुरु की गल करो, क्योंकि संत सन दसते हैं कोई परमात्मा की गुरु की गल करने वाला मिल जाए तो तुसी सुन लो, स्रोते बन जाओ, अगर वो स्रोता है तो तुसी सुनाना शुरू कर लो। गुरु नानक ने भी किया, जब लग दुनिया रही है कुछ सुनिए कुछ कहिए, गुरु चर्चा गुरु के प्यार का जिक्र कुछ सुनना भी उही सुनेगा जिदे अंदर प्यार है, जिदे अंदर प्यार नहीं वह भगती की गल किस तरह सुनेगा। इस वास्ते रात में बातें हुई कि सुना दे कोई गुरु की बात, सुना गुरु की कोई गल सुना। वो कह लग्या कि मैनू तो गुरु नहीं मिलिया गा। वो कहिंदा अफसोस की गल है कि तू 72 साल का हो गया है, अगर बच्चा हुंदा मैं तेनू हलूण दा या तेनू घूर दा या थप्पड़ लाउंदा, लेकिन हुण तू बजुर्ग है, मेरी उम्र तो भी बड़ा है, 72 साल कोई छोटी जी उम्र तो नहीं, मैं तेनू की कहां, तू हुण तक नगुरा ही फिरदा है। यही उन्होंने दिल नू काफी सी, क्योंकि रीति रिवाज कर करके बाहर जा जाके पुनदान करके मन साफ हो चुका सीगा, साफ कपड़े से बड़ी जल्दी रंग चढ़ता है। इस तरह साफ आदमी नू चोट बड़ी लगती है, सच्चे आदमी नू चोट लगती है कि ओहो मैं आपकी सारी आयु पढ़ दिती है, और गुरु अंगद देव की शरण में किस तरह वो आए। सारे असी अनेक बारी कहानी नू पढ़ते हैं कि किस तरह उन्होंने भाई दा लड़का गुरु अमरदेव दे लड़की नू विहा होया सीगा, सुबह लड़की रोज भजन बोलती हुंदी सीगी, और गुरु की तारीफ थानू पता ही है कि मिश्री नू किधरों भी खाओ उहदे अंदर मिठास हुंदी है, संतां दी लिखी हुई बाणी तुसी पढ़ के देख लो, उहदे अंदर सत्संग की महिमा हुंदी है, नाम की महिमा हुंदी है, गुरु की महिमा हुंदी है, नाम के फायदे हुंदे है, गुरु मिलन के फायदे हुंदे है, बाकी मसाला हुंदियां है कि उहदा की फायदा है, किस तरह उहनां दी शरण विच जाके फायदा उठाउणा है। सो शब्द जो गुरु प्यार दे बोले, आला हिरदा सी, अच्छा हिरदा सीगा, बैठ के सुनते रहे, सुबह क्या कि बेटी मैनू तुसी मिलाओ,
ऐसा भी कोई गुरु है? वह कह लगे हाँ, जेडे तुहाडे कुलम लगते है ये सिफतां सारियां उन्हां दे विच हन साडे पिता दे अंदर। बड़े प्यार नाल जाके उन्हां दी शरण ली। शरण भी कोई इस तरह नहीं कि गए सत्संग सुनिया घर नूं उठे आए। इतिहास दसदा है कि 12 साल उन्हां दा पानी भरिया, हर प्रकार की सेवा की। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई कुड़मां दे घरे रहे, लोग उन्हूं माफ पाटी करते हैं, बड़े ताने मिणे मारते हैं कि देखो इस नूं लड़के घरे नहीं रहन दिंदे गए, और या इस दे खाणा नहीं जिहड़ा इत्थे कुड़मां दे घर बैठा है। लेकिन गुरु साहब ने आला हिरदा सीगा, दिल च ख्याल आया कि मैं परमार्थ की खोज विच है, शब्द की खोज विच है, नाम की खोज विच है। अगर ये वास्ते तो मामूली गल्लां है, ताने मेणे कि चीज होंगे हैं। सो उस प्यार ना जरदे रहे। गुरु साहब ने, गुरु अंगद देव ने एक दिन बुलाया, उसनों निहाल कर दिता। जिहड़े मथावां कहिंदे सी, जिहड़े नमाणा कहिंदे सी, कहिण लगे नहीं ये नमाणा नहीं, ये तो नमाण्या का मान है, ये नथावां नहीं, ये थां वाला है, ये तो नथावें थां देवेगा। सो संतां दीआं रमजां नूं उन्हां दे प्रेमी जाणदे हुंदे है। तुसी देख लो 72 साल की आयु विच जाके सेवा की, आप कामयाब होए, और आप अपना तजर्बा अपनी बाणी दे विच लिखदे है। शब्द गौर नाल पढ़न वाला है जी। मलार महला तीजा, अष्टपदियां, घर पहला, पन्ना 1276। कर्म होवे कहते हैं कि सुख न सारी दुनिया मंगती है, दुख बिना मंगे ही आ जाता है। क्यों आ जाता है? कि ये नगरी दुखा सुखा की है। जैसा असं लिखा के लियाए हैं वैसा सानू भोगना पैदा है। बीमारी भी आती है साढ़े कर्मा मुताबक, तंदुरुस्ती भी आती है, गरीबी भी आती है, अमीरी भी आती है, लेकिन यह सब कुछ साढ़े अपने ही कर्मा का लैन देन हुंदा है। इसे तरह ऐसे भी कर्म बन जाते हैं अच्छे तो अच्छे। वो परमात्मा सानू की आराम दिंदा है? कहन लगे संतां दी शरण, गुरुआं दी शरण दे विच हो लिआउंदा है, यही सब तो वड्डी उसकी दया है। आप कहन लगे अगर साडे पूर्व दे कर्म साथ ना देन, असीं महात्मा दी शरण विच ही नहीं आ सकदे गे। सानू इतिहास दसदा गुरु नानक दा कि किस तरह उहनां दे माता पिता उन्हां नूं परेशान कर दे रहे, उसनूं यही कहिंदे रहे कि इसनूं घर दे कारोबार का पता ही नहीं गा। कारोबार करन वास्ते उन्होंने काफ़ी उपराले किए। हुण तुसीं देख सकते हो कि जिस मोदी दे घरे दौलत खान पठान दे घरे जाके नौकर लगे सी, उसने तो उसनूं पछाण लिया कि वली फकीर है और इहदी खुदा तक पहुँच है। लेकिन जिहड़े रिश्तेदार सी वो उन्होंने पछाण ना सके, वो उसनों उस पासे लाउण की कोशिश करते रहे। इस तरह उन्होंने माता पिता से वो उसनों पछाण ना सके, ये उन्हां दी दया सी। जब बड़ी उम्र दे विच जाके गुरु नानक ने अपनी पछाण बख्शी। साडे सतगुरु महाराज कहिंदे हुंदे सीगे कि अन्ने दी की ताकत है, सुजाखे नूं पकड़ लवे जब तक सुजाखा अपनी उंगली अन्ने दे हथ विच नहीं दिंदा गा। हाँ ये जरूर हुंदा, मैं दसदा हुंदा कि जब साडा कर्म जागदा है, असी पैदा हुंदे हैं, वैसे ही ख्याल साडे बनने शुरू हो जांदे है। इतिहास तुसी पढ़ के देख लो कि महाराज सावन सिंह 22 साल वो खोजदे रहे, काफ़ी लोगों के कोले गए कि सच्ची तड़प सी। जो दुनियावी ड्यूटी सी नौकरी वगैरह वह भी उन्होंने किया। इस तरह महाराज कृपाल ने भी काफ़ी खोज की। बाबा सोमनाथ नूं काफ़ी लोग इत्थे जानदे है। तुसी देख लो उन्होंने किस तरह आप दे तन दे उत्ते कष्ट दिते, क्योंकि गुरु नहीं मिलिया सीगा, बड़े कष्ट धूनियां भी तपाइया, होर बहुत सारा किया, और आप दे तन नूं सका भी लिया। वो कादी खातर सी? सच्चा प्यार सी, सच्ची तड़प सी कि परमात्मा किस तरह मैनू मिल जाए, क्योंकि जिन्हां दे दिल अंदर उस परमात्मा की तड़प हुंदी है वह बड़ी तो बड़ी कुरबानी करनों भी गुरेज नहीं करते गए। महाराज सावन कहिंदे हुंदे सी अगर असीं सच्चे दिलों परमात्मा दे निमित्त कोई ऐसा कर्म करदे आ उहदे मिलन वास्ते, उह तों भी रिहा नहीं जांदा, वह जरूर आपके पास सद्दा है। आखिर
खोज जा रही सी, महाराज सावन दी दस पई, उन्हां दे पास गए, उन्हां ने भरपूर कर दिता। हुण तुसी देख के सोच सकते हो कि इसे तरह मैं दसदा कि मेरा किस तरह उन्हां दे नाल मिलाप होया सीगा। वो यही सी कि मैं भी बाबा सोमनाथ की तरह काफी सारे रीति रिवाज किए, जिस तरह इन्होंने कष्ट झले सन, धूनिया वगैरह तपाइया, जल तारे किए, ऐसी ही इष्टी मेरी रही है। सो इस वास्ते की सी कि प्यार सी, तड़प सी, मैनु अच्छी तरह ज्ञान है कि जिदे अंदर तड़प हुंदी है, प्यार हुंदा है परमात्मा नूं पाउण वास्ते, बचपने तो उहदी नींद उड़ जांदी है, उसके अंदरों आलस खत्म हो जाता है, सच्ची तड़प उसके अंदर पैदा हो जाती है कि मेरी किस तरह कोई वस्तु खोई हुई है, वो मैनू किस तरह मिल जाए और कोई उसनों लवा दे, उसके मगर मारिया मारिया फिरदा है। अगर जे साडे अपने वस हुंदा, असी सारे लोग परमात्मा नूं पा लेंदे, परमात्मा की भगती करन लग जाते, किहदा दिल करदा सी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे आ, विछड़ के विलकदे फिरदे, वो कहिंदे आ, आपण लिया जे मिलै विछड़न कोरो वन, असी क्यों रोंदे तेथों विछड़ के, असी सारे मिल जाते, लेकिन ये परमात्मा ने सब कुछ अपने हाथ में रख्या होया है, किनू मिलाना है, किनू अजे मैं फिर दुनिया के ले जाना है। इस वास्ते आप कहिंदे आ, अगर साडा अच्छा करन जागदा है, परमात्मा उहदा इनाम देना चाहुंदा है, साडा मिलाप गुरुआं नाल करवाउंदा है, कहिण लगे बगैर अच्छे कर्मां तों असी उहनू पा नहीं सकदे गे। एक थां आप ये भी कहिंदे है कि बिन कर्मा कुछ पाया नहीं, जे बहु तेरा धावा है। कर्म होवे तां सतगुर पाए, बिन कर्मे पाया ना जाए, सतगुर मिलिए कंचन होइए, जहाँ हर की होए रजाए। आप कहने लगे जिस तरह सोने नूं असी खोदते हैं, फिर उन्हें शुद्ध करने वास्ते काफी जतन करने पैंदे है, किस तरह अग दे से ता सहने पैंदे है। आप कहन लगे जे मिट्टी तो सोना बनना है, काफी ता चलना पैंदा है, संतां दी शरण विच कौन जाके फायदा उठाउंदा है, अगर प्योर पवित्र होना है, कहन लगे ओ परमात्मा दी रजा होए तद ही असीं उहनां दी जाके भगती कर सकदे हैं। गुरु नानक कहंदे है, हम मैले तूं पूजल करते, हम निर्गुण तूं दाता। असीं मैले हैं, तूं उज्जल है, तू चिट्टा है, असी दाग वाले हैं। इस वास्ते आप कहन लगे कि तू गुणा नाल भरपूर है, असी बगैर गुणा तो है, सानू तेरी शरण विच आए हैं, तू जगह दे जे तेनू पाउंदा है। तां मैं दसदा हुंदा है कि यही तरीका है माफी लैण दा परमात्मा तो, असी जन्मां जन्मांतरां दे मेले हैं। मैं एक भजन विच दसदा हुंदा है कि आजज होके सतगुरु अगे औगुण कद बखशाएगा, कि कद आजज होएगा कि सतगुरु मैं भुल गया, मैनू हुण तुसी माफी दे दिओ। यही संत सतगुरु किस तरह अगे जाके दसणगे कि किस तरह जाके इस जीव तो माफी मंगाउंदे है, वह परमात्मा दे पास किस तरह लै जांदे है, यही उहनां दे मिलाप का फायदा है जी। सतगुर मिलिए कंचन होइए, चित लाए मन मेरे हर हर नाम चित लाए। साडे और परमात्मा के दरमियान अगर कोई पर्दा है, कोई दीवार है जेड़ी तोड़नी मुश्किल है, वो साडे मन दी है। मन कोई छोटी जी वस्तु नहीं हुंदा, ये बड़ा अमोड़ बालक है, इन जिधरों मोड़िए उसे पासे जांदा है। तुलसी साहब सानू दस रहे है भजन अभ्यास करना, भगती करनी, मन नाल लड़ाई मुल लेनी पैंदी है, बड़ा ये संघर्ष कड़ा हुंदा है। आप कहन लगे है कि तुलसी रण में जूझना खड़ी ए का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खंडे संग्राम। कहन लगे थोड़े जे टाइम का रण दे विच जाके जूझन हुंदा है,
और ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਖੰਡੇ ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰ ਬਗੈਰ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁੰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਧੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੰਜ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੋਹ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗੀਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਸਾ ਸਾਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੀ, ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਪੌਦੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰਿਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਤਲ ਮਾਹੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਚਕਮਕ ਮੇ ਆਗ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਝ ਮੇ ਜਾਗ ਸਕੇ ਤੋ ਜਾਗ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਗਿਣਦੇ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ
जो मर्जी तुसी कह लियो, सानू पता ही हुंदा है कि गुल्ले नूं जद बाहरों पुछया गया, उहदे भैणा भरावां ने सारिआं ने पुछया कि प्यारिया तू सानू इउं दस कि अनैत दे गल अंदर कि नीच है, चोगा पाया होया है और ममूली जिहा इंसान है, तू सब कुछ अपना छड छडा के उसे मगर हो गया है, दस तैनू की उत्थों मिलता है, तू क्यों जाना है। गुल्ला प्यार विच कहिंदा है, जे कोई देखे अंदरों अनैत नूं ते बिहस्ती थुक्कां पाइयां, जे कोई देखो बाहरों अनैत नूं तो गल विच लीरां पाइयां। कहिंदे अगर बाहरों देखेगा तो एक इंसान है, लीरां कपड़े पाए हुए है, लेकर अंदरों कोई देखे तो स्वर्गां दी वी आस नहीं करदा गा, वह कहेगा गुरु दे देश जाना है, मैं सचखंड दे विच जाना है। कबीर साहब कहिंदे है, क्या नरक क्या स्वर्ग संतन दो राधे, हम काहू की कान ना कट दे अपने गुर प्रसादे। महात्मा आके अपने सेवकां नूं ना स्वर्गां दा लालच दिंदे है ना नरकां तों डराउंदे है। उह तां नाम देण दे वक्त साडी आत्मा दी डोरी नूं सचखंड दे विच बन्न दिंदे है, जिहड़ा कि आखरी मंडल है, जिहड़ा कि परलों या महापरलों दे विच खत्म नहीं हुंदा गा, उह सदा ही कायम रहिंदा है। जिस नूं गुरु नानक कहिंदे है, आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। पहला भी वह परमात्मा सी, अज भी वह परमात्मा है, अगे भी उस परमात्मा ने होना है। फिर आप कहते हैं, थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप नारंजन सोए। वो परमात्मा नु कोई थापदा नहीं गा, वो किसी का कीता होया नहीं गा, वो अपने आप ही सुधे सिद्ध ही माया तो रहत प्रकाशमान है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है, अगर इस वस्तु नूं असीं पाउणा है तो सब तो पहला असीं संतां दी संगत सोभा दे विच जाणा है। क्यों जाणा है? कि उह परमात्मा उहनां दे प्यार दे विच आ चुक्या है। प्यारा पुत्तर जो चाहे अपने पिता तों करा लैंदा है, उहदा जिहड़ा पिता है आपदे बच्चे नूं नाराज़ नहीं करदा गा। संत महात्मा कुदरत दे निजमां मुताबक ही इस संसार विच आ के जिंदगी जिउंदे है। यही आपदे सेवकां नूं कहिंदे है। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी, अगर तुहानूं कुछ अंदर नाम दा प्रकाश हुंदा है, कुछ देखदे हो तां तुसीं उस दे बाहर शैणे ना खड़काओ या करामातां दिखाउण ना लग जाओ। करामात कहर हुंदी है। महात्मा उही है जो कुदरत दे निजमां दे मुताबक अपना जीवन बतीत करदा है। सो यही उसदा शिंगार है। सो आप प्यार ना कहिंदे है कि महात्मा कोले सी क्यों जाना है, साडे दिल अंदर परमात्मा दी तड़फ है, परमात्मा उहनां दे वस विच है। आप कहिंदे कीता लोड़न सोए कराए, दर फेर न कोए पाएंदा। आप कहिण लगे जो परमात्मा नूं किसे जीव दी बांह फड़ा दिंदे है, उही परमात्मा जगह दे दिंदा है उसे नूं। कहिण लगे दर फेर न कोई पाएंदा, फिर उह संसार दे विच आउंदा जांदा नहीं गा, वारी वारी भूतां दी तरह चक्कर नहीं खांदा गा। इस वास्ते आप कहने लगे कि वह शब्द नाम की जो दात है, वह परमात्मा ने उन्हें महात्मा की विरासत दे विच दित्ती है, विरासत दे विच उन्हें बख्शी हुई है। सो आप कहने लगे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। उन्होंने परमात्मा का अतुट विश्वास हुंदा है और आके उही विश्वास अपने सेवकां नूं दिंदे है। वह कहने लगे सी, तेरे भरोसे ते इन्हें जीरां नूं नाम दे दिता है, शब्द के बेड़े विच चढ़ा दिता है, हुण तेरी मर्जी है इन्हां तों कमाई करा, तेरी मर्जी है इन्हां नूं किस तरह पार करना है, असीं तेरे भरोसे ते बेड़ा ठिल दिता है। सो किस तरह उह बेड़े नूं लिआउंदे है, आ प्यार नाल कहिंदे है, साडे जीवां दी खातर आउंदे है। महात्मा ना कोई कौम बनाउण वास्ते आउंदा है, ना किसे दी बणी तोड़न वास्ते आउंदा है। महात्मा दी नज़र अंदर औरत मर्द इको जी हुंदे है, सब संसार दे प्रेमी उन्हां वास्ते इको हुंदे है। महात्मा दी नज़र आत्मा उपर हुंदी है, वरियाई साडे मन विच हुंदी है। जी सतगुर ते हर पाए साचा, हर सिउ रहै समाए, सतगुर ते ज्ञान उपजै, कहती है कि महात्मा सानू यह नहीं कहते कि तुसी धर्म ग्रंथां नूं पढ़ो ना, आपां पढ़ी जाने हैं, लेकिन जो सच्चा ज्ञान है,
जिस दी के वेद शास्त्र महिमा गाउंदे है वो गुरुआं दे कोलों संतां दे कोलों जाके उपजदा है, पैदा हो जांदा है। गुरु नानक साहब कहिंदे है, ज्ञान ध्यान धुन जाणीए अकथ कहावै सोए। वो ज्ञान प्राप्त हुंदा है शब्द नाम की कमाई नाल, जिहड़ा कि लिखण पढ़न बोलण विच नहीं आउंदा गा। वो बिना लिखिया कानून है, बिना बोली भाषा हुंदी है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है वो ज्ञान कित्थों पैदा हुंदा है, वो संत सतगुरां कोल जाके पैदा हुंदा है। आप कहने लगे, ज्ञानी गुरबिन भगत ना होए, हर हर करे नित कपट कमाए, हिरदा शुद्ध ना होए। आप कहने लगे, असीं परमात्मा की भगती करते हैं, हर हर करते हैं। कहने लगे, इस तरह नहीं, वो धुन नू पा, शब्द नू पा, शब्द नाल जुड़ के कित्थों शब्द आउंदा है, किस तों प्राप्त करना है, तां तेरा हिरदा शुद्ध होएगा जी। सत गुर ते ज्ञान रूप जै, तां एह संसार जाए। सत गुर ते हर पूजिए, गर्भ जुनी नहीं पाए। अगर संसार दे विचो जमण मरण दे चक्कर खत्म करने हैं, वार वार माता के पेट चो बचना है, आप कहने लगे संतों की शरण में जाके नाम प्राप्त करो, नाम की कमाई करो, यही थोड़ा ये जमण मरण के चक्कर चो छुटन का असली साधन है, असली तरीका है। ठंडे दिल अगर सोचा जाए, आप बाहर रेंदे कितने कितने खुले हाल बनाने हैं, कितने कितने लंबे चौड़े घर बनाने हैं, फिर भी आप तंग रेंदे हैं। लेकिन वो वक्त कदे अखां दे अगे रख्या रख्या है, जिहड़ा सानू पता है कि ये तो थोड़े जे दिन ही असीं इत्थे रहना है, गाहां कैसा घर मिलेगा, बड़ा तंग होएगा। कदे असीं ठंडे दिल नाल बैठ के इस नूं सोचिया नहीं। गुरु नानक कहिंदे है, जो घर छड गवामणा सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे। असीं देखते हैं कि चाहे पशु या पंछी के जामे विच असी जाने हैं, इंसान के जामे विच जाने हैं, माता के पेट अंदर हर एक नूं रहना पैंदा है। वो जगह बड़ी भयानक हुंदी है और बड़ी कोझी जगह हुंदी है, उत्थे असी रहने हैं और साडा मुख जिहड़ा हुंदा है वो थले हुंदा है, पैर उपर हुंदे है और उत्थे असी हिल भी नहीं सकते गे, सांस नहीं लै सकते गे। बड़े ही असी प्यार ना उत्थे किहदे आसरे रहने हैं, वो शब्द के आसरे, नाम के आसरे, प्रभु की याद के आसरे असी उत्थे रहने हैं। उत्थे बड़े वहदे करते हैं। गुरु नानक साहब चेतावनी दिंदे है कि मुख तला पैर उपरे वसंदा को हतले थाओ, नानक सो तनी क्यों वसारिया उधर है जिसका नाओ। कहन लगे बाहर आके उस तनी उस मालिक नूं वसार दिता है, उस जगह नूं भुल गया है। इस वास्ते आप कहन लगे, अगर गर्भ जोनी दे विचों बचना है, होर कोई उपा नहीं, इको ही उपा है कि शब्द नाम की कमाई है, महात्मा की शरण है। क्योंकि दो अर्थी गल है, गुरु बगैर नाम नहीं मिलता, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, सत्संग तो बगैर सानू सोझी नहीं आती गी, साढ़े अंदर तड़क या नाम जपण का शौक पैदा नहीं हुंदा गा। सत्संग दे विच आके सानू साडियां गलतियां का पता लगता है और असीं आपका सुधार करते हैं जी। सत गुर ते हर पूजिए, गर्भ जुनी नहीं पाए। गुर परशादी जीवत मरे, मर जीवे शब्द कमाए। आप कहंदे है गुरु की कृपा, गुरु की कृपा द्वारा ही असी मर के जी पैने हैं। किस तरह मर के जीना है, गुरु साहब सानू दसदे है कि एक दिन मौत हर एक नूं आउणी है, चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे पशु पंछी है, ये संसार ही मौत और पैदाइश का है। लेकिन किस तरह असी मर के जीना है, ये बड़े एक सोचण का मसला हुंदा है और ये मसला साडा व्यक्तिगत है। सानू हर एक नूं ये हल करना पएगा। ऐ जन्म नहीं मारा सावन कहिंदे हुंदे तां अगले नूं करोगे, जिथों छड्ड दोगे उथों फिर शुरू करना पएगा। ये किस तरह है,
कि साडा जिहड़ा ख्याल है सानू पता ही है कि वार वार दुनिया दे विच असीं सिमरन करदे हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिस दे सारे कार्य पूरे हो गए हों, किसी के दस पूरे हो गए, दस अधूरे रह जाते हैं, जब मौत आती है उन्होंने ही साढ़े अंदर फुरने फुरने शुरू हो जाते हैं, संकल्प वगैरह उठने शुरू हो जाते हैं, और आखिरी जिहड़े पासे साडा संकल्प उठता है रौ हुंदा है, साडा उसे जगह पर आके जन्म हुंदा है, जिहड़ियां साडियां अधूरियां ख्वाहिशां हुंदियां हन पिछे छड्डे आए हुंदे है उत्थे आके सानू फिर पूरनियां करनियां पैंदियां है पैंदियां हन, उत्थे होर पैदा कर लेने हैं। ये सिलसिला साडा अज तक ना कदे खत्म होया ना हो ही सकता है। महात्मा नूं पता है साडी कमजोरी का, कि जिस तरह पानी की मारी खेती पानी तो हरी हुंदी है, वो कहिंदे है कि सिमरन नूं सिमरन कटेगा, ध्यान नूं ध्यान कटेगा। आपां जिस चीज़ का बीबियां चौंके चुल्हे दे विच कम करदियां हन बस याद करन दी देर है, रसोई अखां दे अगे आ जांदी है वो ध्यान बन जांदा है। इसे तरह कोई कलर्क है कोई जज है जदों आपणियां मिसलां नूं याद करदा है उही उहदा दफ्तर बन जांदा है, उही सब कुछ अखां दे अगे चक्कर लगन लग जांदे है। इसे तरह जिमीदार लोग है अगर वो अपने जिमीदारे कारोबार नूं याद करदे है और सारा कुछ उहनां दे अगे नक्शा बन जांदा है, जिन्हां चीज़ां नूं आपां याद करांगे ध्यान अपने आप ही उन्हां दा आ जांदा है। सो महात्मा सानू दसदे है कि ध्यान नूं ध्यान कटदा है, सिमरन नूं सिमरन कटदा है, किस तरह असीं सिमरन करना है। महात्मा सानू कोई पढ़े पढ़ाए सानू नाम नहीं दसदे गे, वो सानू अपना कमाया होया नाम दिंदे है, वो जीव दे अंदर टका दिंदे है। गुरु नानक कहिंदे है गुर का शब्द गुरथ है टिका, होर थां प्रगटना होए होर थां प्रगट नहीं हुंदा गा, वो टका दिंदे है साडे अंदर, क्योंकि परमात्मा ने उन्हां दे अंदर यह वड्याई रखी है, यही वो देन वास्ते आते है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है वो सानू को सिमरन दिंदे है जिहड़ा कि उन्होंने कमाया हुंदा है, जिहदे पिछे उन्हां दा तप और त्याग कम करदा है। और जब असीं उन्हां दित्ते हुए सिमरन नूं वार वार याद करते हैं साडा जिहड़ा ख्याल है बाहरों सिमट के दुनिया के विचों वो तीसरे तिल ते एकाग्र होना शुरू हो जाता है। जब असीं इत्थे एकाग्र हो जाने हैं यही साडे सफर का शुरुआत है, यही साडे घर का बूहा है। सानू पता ही है कि जे बूहे नूं असीं बाहरों खड़काउने हैं अंदरों ही खुलता है, अंदरों कौन खोलता है, क्योंकि संत सतगुरु जब नाम दिंदे है शब्द रूप हो के वो सेवक दे नाल हो लेंदे है और हर मंजिल ते वो साडे नाल है। बाहरों सानू उस संग दे नाल प्यार नाल सानू समझाउंदे है, कोई होर शाका शकूक हुंदी है वो भी सानू दसदे है। अंदर वह जिमें जिमें असी तरक्की करते जाने हैं, जिस तरह स्कूल का टीचर है बच्चा जाता है पहले दिन वो अपनी सारी काबिलियत उस दे उपर नहीं लाता गा, क्योंकि अगर वो बच्चे नूं दस दे तैनू 16 साल या 15 साल या 12 साल तैनू लगन गए पढ़ाई करने वास्ते, इतनियां किताबां पढ़निया पैणगियां, वो बच्चा घबरा जाएगा। वो टीचर की करते हैं वो अपनी वाकफियत के मुताबिक उहदे अंदर उतना कि इलम जगाउंदे जांदे है हौली हौली, और जदों बड़ा हो जांदा है फिर जिहड़ा टीचर है वह अपनी सारी लियाकत उस दे उत्ते ला दिंदा है। बच्चा महसूस तक नहीं करदा गा कि मैं 16 साल किस तरह पढ़ाई कर ली या मैं इतनियां सारियां किताबां किस तरह पढ़ लिया। इस तरह ही संत महात्मा जिहड़े हन असीं भी परमार्थ के अंदर एक अणजाण बच्चे की तरह हुंदे है, क्योंकि असी यह शुरुआत करनी हुंदी है। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी कि इहदे अंदर भी एमए पास नूं एक 5 साल का बच्चा बनना पैंदा है, कि जिस तरह वो सानूं दसदे है जिवें जिवें असी तरक्की अंदर करदे हैं पहली मंजिल ते दूसरी ते जाने हैं बाहरों फैले ख्याल नूं अंदर लिआउने हैं, फिर असी की है कि जिहड़ी पैरां दी चेतन सत्ता है ये भी साडी निकल जांदी है। इत्थे जदों असी अक्खां दे पिछे आ जांदे हैं ते इस नूं कहिंदे जीवत मरना, शरीर जिहड़ा है ऐ लगता है कि जिवें कोई पराया पिया हुंदा है, इस नूं कोई दर्द नहीं, इस नूं कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, क्योंकि अगर जिहड़ा रस्ता है जिहड़ा साडा सफर है वह तो साडी आत्मा ने तय करना है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि असी गुरुआं की कृपा दे नाल ही ये सब कुछ कर सकते हैं, जिउंदे मर जाने हैं मर के फिर जी पैंदे हैं। गुरु नानक कहिंदे है मूहिया जित कर जाइए तत जीवदिआं मर मार। आप कहने लगे मर के असी जाना ही है,
अगर जिंदे जीए सफर नु तय कर लिए आसान हो जाता है जी। पुर परशादी जीवत मरे मर जीवे शब्द तुम्हारी मुक्त द्वारा सोई पाई जे बिचो आप गवाई। आप कहेंगे ये दीवारा मुक्ति दा कौन पाएगा जेड़ा अपने आप प्रभु दे हवाले कर देवेगा। मुहम्मद साहब की हिस्ट्री में आता है कि उहदे बहुत सारे सेवक सन, उन्होंने सोचा कि मैं इन्हों किस तरह समझावां कि अपना आप किस तरह विचों कढ़ना है, किस तरह मुक्ति का द्वारा जिहड़ा है सब संतां ने बहुत बरीक दसिया है। कबीर साहब कहिंदे है वो वाल तो दसवां हिस्सा है, फिर कहिंदे राई तो भी दसवां हिस्सा है, मन साडा हाथी है ये उहदे विच दी लंघदारी गा, इहनू किस तरह असीं बरीक करना है। तो मुहम्मद साहब ने सारे चेलियां नूं सेवकां नूं धुप विच खड़े कर लिया कि तुसीं दसो भई तुहाडा की समान है इत्थे। हुण बहुत सारिआं ने दस्सिआ, एक खास उहनां दा सेवक सीगा जिहड़ा अपने आप नूं इह कहिंदा सी कि मैं ही इन्हों का सच्चा सेवक है। उन्होंने कहते हाँ भाई तू भी गिण, तेरा की है? उन्हें गिणने गिणते ने एक घंटा ला दिता, मेरे बच्चे है, मेरिया बच्चिया हैं, मेरी स्त्री है और मैं इतनी जायदाद का मालिक है, सब कुछ गिणते गिणते ने उसने एक घंटा ला दिता। जब हजरत अली की वारी आई वो उठिया तो अर्थी बात करी, कह लगे खुदा है जिसनों मैं देखा नहीं, या तू है जिसन मैं सामने देख रहा है। आखिर मुहम्मद साहब ने हजरत अली नू अपना सब कुछ सौंप दिता सीगा, अपनी जगह उसे मुकर्र किया सीगा। सो महात्मा प्यार दे नाल कहिंदे है कि मुक्ति का द्वारा उन्हां वास्ते खुलदा है कि जेड़े अपने आप नू उस परमात्मा गुरु के हवाले कर दिंदे है जी। मुक्त द्वारा सोई पाए आप गुरु ही गुरु पुकारदे है, कहण लगे गुरु की कृपा नाल ही फैले ख्याल नूं असी संतल कमल ते लिजा सकते हैं और शक्ति माया तो असी खेड़ा छुड़ा सकते हैं। शब्द नाम की कमाई करन वाले दी जिहड़ियां ख्वाहिशां है वह अपने आप ही खत्म हो जांदियां हन। बिन संतोख नहीं कोई राजा, अगर साडे अंदर संतोख ना आवे, भावें सानू दुनिया का सारा ही सोना चांदी मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, फिर भी असी कुछ होर मंगण लगे पए हुंदे हैं। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे आ गुरु की कृपा दे नाल ही असी अंदर जा सकते हैं और माया तो छुटकारा पा सकते हैं। और परशादी शिव कारज में बीचो सकत चर चर विवेक बुद्ध पाई पुरख पुरख मिलाए तातर बाजी संसार अचेत है चले मूल गवाए। आप कहन लगे जैसे अंदर जाने शब्द नाम की कमाई करते हैं, शब्द ना कुछ असी जुड़ जाने हैं, ये दुनिया खेल नज़र दे विच आउंदा है, नहीं तो असी ये दुनिया नू सच्ची समझ के जो मूल परमात्मा ने सानू दिता है इंसानी जामा इहदे भी असी हकदार नहीं रहिंदे, ये मूल नू भी गवा के चले जाने हैं जी। आतर बाजी संसार अचेत है ला हर स
दुनिया दे विच लाहा लैण वाली वस्तु है, प्राप्त करन वाली वस्तु है, वो सत्संग है। लेकिन इहदे विच असीं बगैर कर्मा तो आ नहीं सकते गे। तुलसी साहब कहिंदे है, तुलसी पिछले पाप से हर कथा न सहाए, चाहे सोवे चाहे चला चाहे दिए बात चलाए। कहन लगे पापा करके अगर असीं आ भी जाइए या सानू नींद आ जाएगी या उत्थे अच्छा नहीं लगेगा, असीं उत्थे उठ जावांगे या बातां करांगे। आप कहन लगे साडा अगर कर्म होवे, परमात्मा साडे ते मेहर करे, तां ही असीं महात्मा दी संगत और सोभत दे विचों फायदा उठा सकदे हैं जी। हुण गुरु साहिब कहिंदे है कि मैं किहदा नां लवां कि किहड़ी कौम ने परमात्मा नूं गुरु तो बिना पाया है या किस पढ़े लिखे ने पाया है। कहण लगे जिसनूं भी परमात्मा दी शोह प्राप्त करन दा मौका मिलिया, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਵੇਖ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਪਵ ਜਲ ਉਤਰੇ। ਜਿਸਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਗ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮੇ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਆਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਖੋਲਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ, ਦੋਸਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚਰ ਆਖਦਾ, ਜਿਚਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਮਹਿ ਸਮਾਹੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਪਵ ਜਲ ਉਤਰੀ ਪਾਰ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਓ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਆਪ
ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੰਨੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਓ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਮਸਤਕ ਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਟਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਤਬਾਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਤਕ ਧਰੋਂ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਬਲਿਆ, ਹਰ ਲੱਧਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋਂ ਫਿਰ ਬੋਹੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮਸਤਕ ਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਟਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੀ ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਜੀ ਲਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵ ਸਕੋਏ। ਕੌਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਧੋਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਮਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਤਬਲ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਜੀਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੁਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਤ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਸਾਧ ਦੀ, ਪੁੱਛ ਲੀਜੀਏ ਗਿਆਨ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਲ ਕਰੋ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਪੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮਿਆਨ, ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
कई मजहब खड़े कर लेने हैं, पार्टियां बढ़ा लेने हैं, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੁਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਸਤਕ ਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਠਾਕਰੇ।